वर्धा जिले के कारंजा घाटगे तहसील में नागपुर से महामार्ग क्रमांक 6 हो या काटोल वर्धा मार्ग लोहारी सावंगा कारंजा मार्ग, इन राज्य महामार्ग से आसानी से आवागमन नागरिक कर रहे हैं। कोविड-19 के कारण महाराष्ट्र के हर जिले में जिला बंदी के आदेश दिए गए हैं। इस कारण कोई भी अपने मर्जी से आसानी से आवागमन नहीं कर सकता। ऐसे में इन राज्य महामार्ग पर सुरक्षा के इंतजाम ना होने के कारण कोई भी नागरिक आसानी से आवागमन कर रहा है, जिस कारण कारंजा तहसील के नागपुर से नौकरी के कारणवश या पढ़ाई लिखाई के कारणवश गए हुए नागरिक विद्यार्थी बिना किसी पूर्व सूचना के आसानी से तहसील में आ रहे हैं और आने के बाद सामाजिक दायित्व को भूलकर गांव में घूम रहे हैं। तहसील में ऐसी परिस्थिति है कि यहां के निगरानी पथक भी इस जानकारी से अनजान है। इसके कारण भविष्य में कुछ धोखे की संभावना हो सकती है। यह है नागपुर और वर्धा जिले की सीमा, जहाँ से हर कोई आसानी से आना जाना कर सकता है। आप देख रहे हैं काटोल और वर्धा मार्ग, जहाँ जिला बंदी होने के कारण आवागमन बंद किया हुआ गया है। कोविड-19 की वजह से कोई भी एक जिले से दूसरे जिले में आ जा नहीं सकता, लेकिन यह सीमा खुली होने की वजह से, यहाँ कोई बंदोबस्त न होने की वजह से कोई भी यहाँ से आना जाना कर सकता है। यह है राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6, जहाँ से वर्धा जिला और नागपुर जिला आवागमन होता है। यह सीमा अभी इस वक्त खुली दिख रही है। कोविड-19 की वजह से जिला बंदी होने के कारण हर जिले की सीमा पे कुछ ना कुछ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ ऐसी कुछ व्यवस्था दिखाई दे नहीं पड़ रही है, जिस कारण कोविड-19 से प्रभावित नागपुर जिले के नागरिक वर्धा जिले में आसानी से आ जा कर सकते हैं। हम इस वक्त खड़े हैं नागपुर और वर्धा डिस्ट्रिक्ट की सीमा पे, जहाँ से शुरू होती है नागपुर की जाने की रास्ता। यह है काटोल वर्धा महामार्ग, राज्य महामार्ग, जहाँ से आना जाना आसानी से किया जा सकता है। कोविड-19 की वजह से एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाना प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन यहाँ कोई बंदोबस्त न होने के कारण कोई भी यहाँ से आसानी से आ जा सकता है।